सबसे पहली चीज, जब नस मौजूद हो, कुरान और हदीस मौजूद हो, तो फतवे की ज़रूरत पड़ती नहीं। या कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, हालात के हिसाब से मसाइल बदल जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ख़वातीन आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आपने मसाइल भी बयान किए हैं, बुखारी तिर्मिज़ी देख लीजिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम नमाज पढ़ा रहा है, भूल चूक हो गई, गलती कर रहा है, अब मर्द लोग कैसा बताएंगे? जैसा दो रकात के बाद बैठना है, अब ठहर रहा है इमाम, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आपने, अब मर्दों को नहीं याद आ रहा है किसी को, तो आपने फरमाया, व तस्फीकुन निसा, औरतों को चाहिए कि सुभान अल्लाह कहने की इजाज़त नहीं। औरतें नमाज में आ सकती हैं, जब ही तो मसाइल बताए जा रहे हैं। औरतें आ सकती हैं जब आप सल्लम ने देखा एक मरतबा मस्जिद नबी से निकल रही हैं, मर्द भी निकल रहे हैं, तो खलत मलत हो रहा है। तो आपने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम्हारे लिए मुनासिब है थोड़ा रास्तों के बीचों बीच नहीं बल्कि किनारे से चलो। यहाँ तक कि सहाबियात इस तरीके से किनारे से चलते थे कि कपड़ा दीवार में कुछ रहता अटक जाता था। और फिर मर्द औरत का इख्तलात ना हो, आप मस्जिद में औरतों के लिए अलग से गेट और दरवाज़ा भी बना दिया, और इस पर आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अमल हो रहा है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी आती थी, आपको पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनाउ इमाल मसाजिद, अल्लाह के बंदियां जब मस्जिद को आती हैं तो खबरदार उनको अल्लाह के घर पे आने से कोई रोके ना। जब हदीस थी तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोकने से रुक गए, नहीं रोकते थे। तो एक नहीं दसियों हदीस है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबियात नमाज में आती थी और रोकना नहीं चाहिए। अब भाई क्या गड़बड़ी, बाजार में जा रहे हैं तो नाजायज नहीं, दरगाहों को जा रहे हैं तो नहीं, हर जगह जा रहे हैं तो वहाँ। अब यहाँ क्या, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में औरत निकली तो बाहर ज़बरदस्ती उसकी इज्जत नहीं लूटी? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने से लोग औरतों को रोका। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये हादसा तो नबी की ज़िंदगी में हो गया था लेकिन आपने रोका नहीं। ये हालात बताकर नबी की सुन्नत, नबी के फरमान, नबी की शरीयत की मुखालिफत करना ये मुनासिब नहीं है दोस्तों। आ सकते हो, और बदरजे औला आज आना चाहिए, क्योंकि जब दीन की बात सीखेंगी, अच्छा माहौल मिलेगा तो उनकी इसलाह होगी और वो अपने बच्चों के, अपने घर वालों की इसलाह करेंगे, इस तरीके से माशरा सुधरेगा। आज हम देखते औरतों के सुधरने से घर जितना सुधर रहा है, मर्दों के सुधरने से उतना नहीं सुधर रहा है। तो आना चाहिए। हाँ, अगर कोई पर्दे के लिए और ज़्यादा छुप के नमाज पढ़ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पढ़ सकते, लेकिन मस्जिद में आने की इजाज़त है।